नमस्ते दोस्तों मैं आदित्य सिंह आज आप सभी के साथ 11th का, का साइंस वीक वीक के बाद जा रहे थे आई एम सो सॉरी फॉर दैट डिले बट अब से ऐसा नहीं होगा आपसे हम हमारे लेक्चर्स को प्रॉपरली स्केड करके आप सभी को देंगे एंड थोड़ा डिले हो गया उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन थी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज थी वो आपका आपके प्रदीप भैया बताएंगे सो so, अभी फिलहाल हम हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट हायर आर की स्टैंडर्ड्स लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था उबंटू के बारे में उबंटू कैसे दिखता था उबंटू का डैशबोर्ड कैसा था उबंटू के कुछ कमांड्स कैसे थे ओके okay? आज हम पढ़ेंगे हायर आर की अब ये होती क्या है हमारे पास हमारे विंडोज में जब हम किसी भी चीज़ को क्रिएट करते समझो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया

फॉरवर्ड स्लैश से ऑल स्लैश्रीज आर स्टोर द रूट डिरेक्ट्री जैसे हम विंडोज में हर फाइल को एक पर्टिकुलर फोल्डर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोर करते हैं उसी प्रकार हमारा हर एक फाइल जो है या हर एक डायरेक्टरी जो है जो हमें हम इसे इधर डायरेक्टरी कहते हैं हम Ubuntu में फाइल्स को डिरेक्टली कहते हैं याद रखता टर्म्स चेंज हो जाते क्योंकि हम नए ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ रहे हैं ठीक है वो अंदर हमारे किधर होंगे रूट डिरेक्ट्री में फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक एग्जांपल देख लिया यहाँ पे जो हमारा रूट डायरेक्टरी था वो हो गया हमारा होम होम हमारा रूट डायरेक्टरी था एंड उसके आगे ये एबीसी जो था वो यूजर का एक फाइल डायरेक्टरी नेम था एवरीथिंग इन लिनक्स इज रिप्रेजेंटेड एज फाइल्स अब इसका मतलब ये है कि हमारी कैमराज हो हमारे पिक्चर्स हो हमारे वीडियोस हो हमारी इमेजेस हो या हमारे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो वो हर चीज एक फाइल की तरह उसके अंदर स्टोर की जाती है, Next, क्या है? के बारे में हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक फॉरवर्ड स्लैश से याद रखना रूट डायरेक्टरी रिप्रेजेंट करना है तो एक फॉरवर्ड स्लैश ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आर स्टोर्ड अंडर द डायरेक्टरी दिस डायरेक्टरी इंक्लूडिंग हार्ड डिस्क पेन ड्राइव सीडीज एक्सेट्रा हर चीज इसके अंदर स्टोर की जाएगी एक पेरेंट होगा एंड उसके चाइल्ड फाइल्स जो है वो उसके अंदर स्टोर की जाएगी फॉरवर्ड स्लैश बिन देख रहे हो ना उसका रिप्रेजेंट कैसा है फॉरवर्ड स्लैश बिन एसेंशियल प्रोग्राम्स आर स्टोर हियर एसेंशियल जो चीजें होती है सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होती है वो इसके अंदर होंगी फॉरवर्ड स्लैश देव ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस डिवाइसेस से हमने देव लिया यहाँ से डीईवी आज चोट ही इन इंक्लूडिंग इंटरनल डिवाइसेस टेम्प टेम्परेचर सेंसर एंड बैटरीज अब आप पूछोगे मैम ये है क्या जैसे कि हमारा जो पीसी है उसके अंदर हम ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं हम उसमें टेम्परेचर सेंसर होता है हमारे इसमें बैटरीज होती है ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ दिखाई देगी डिवाइसेस में ये हमें बताता है कि हमारे जो है हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर हमने कितने सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया है forward slash etc system configuration files are stored here इसे हम ना Ubuntu के भाषा में हम उसे config files भी कहते हैं समझ लो उसे हम ऐसे लिखते हैं config files ये files जो होती है ये mandatory होती है for execution purpose next है forward slash pros p o p r o c process इससे हमें समझ में आता है process files that provide information about processes हमारे जो फाइल्स है वो क्या करेंगे हमें इंफॉर्मेशन देंगे प्रोसेस के रिगार्डिंग दिस इज दिस इज द इंफॉर्मेशन लाइक हाउ मच रैम इज फ्री एंड हाउ सी पी यू इज रनिंग यानी कि हमारे किससे कंडक्ट होते हैं याद आ रहा है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो हमारा था उसके अंदर हमें पता चलेगा कि भाई वो कितने स्पीड से वर्क कर रहा है वो बहुत स्लो वर्क कर रहा है उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या है उसका प्रोसेस लेवल क्या है या हमारे पास कितना रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे पास कितनी फ्री है नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड स्लैश टेम्प टेम्प यानी कि टेम्पररी टेम्पररी फाइल्स आर स्टोर कुछ कुछ चीजें हम टेम्पररी रखते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी फॉरवर्ड स्लैश होम यूजर होम डिरेक्टरीज आर स्टोर यानी कि यूजर की जो होम डिरेक्ट्री है रूट डिरेक्टरीज है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं यार इसके पीछे कोई रीजन होगा ना हम कोई भी चीज करते हैं तो उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन होती है ना हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे भी कोई रीजन है हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके पीछे भी कुछ रीजन है यानी उसके कुछ एडवांटेजेस है हम वहां पर यहाँ पे उसके एडवांटेजेस देखेंगे लिनक्स फ्री एंड ओपन सोर्स ये हम स्टार्ट से देखते आ रहे हैं ना ओपन सोर्स ओपन सोर्स लिनक्स इज फ्री 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 यानी कि ऐसा नहीं कि फ्री बट इट्स फ्री फॉर फ्रीडम द वर्ड फ्री हियर डज नॉट जस्ट मीन्स फ्री ऑफ चार्ज बट ऑल्सो मीन्स फ्रीडम फ्री तो है लेकिन यहाँ पे उन्होंने दो मीनिंग्स बताई है फ्री की सबसे पहली है फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर टू जो है वो होगी कि भाई हमारे पास फ्रीडम होगी किस चीज की फ्रीडम हम उसे शेयर कर सकेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे हम उसे एडिट कर सकेंगे मॉडिफाई कर सकेंगे हमारे नेसेसिटी के हिसाब से क्योंकि वो हमारा ओपन सोर्स है राइट

अब मेरे पास एक विंडोज है इंस्टॉल्ड है हम सबके पीसीज में विंडोज इंस्टॉल्ड होता है हम उसे खरीदते हैं लाइसेंस वर्जन खरीदते हैं इट्स अ क्लोज्ड सोर्स लेकिन उसके साथ साथ हम उसमें एक एंटीवायरस भी डालते हैं कुछ सालों का होता है महीनों का होता है सो so उसका एक कॉस्ट देना पड़ता है ना हमें बट आपको क्या लगता है हमने उस खरीदा भी हमने एंटीवायरस को खरीदा भी कॉस्ट भी पे किया लेकिन क्या वो सेफ है स्टिल नहीं एंटी वायरस होने के बावजूद भी हमारा सिस्टम सेफ नहीं होता है वही चीज इन्होंने बताई है कि लिनक्स जो है वो इज फ्री फ्रॉम the user नीड्स नॉट इंस्टॉल एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूजर जो हमारे यूजर होते हैं होते हैं, उसे कोई भी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस से रिलेटेड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है दिस सेंस मनी एज वेल एज वैल्यूएल टाइम दूसर फॉर फ्रॉम दायरस डेफिनेशन यूएसबी प्लग्ड इन इसका मतलब आप लाइन में लाइन नहीं लगती बट आपको जाके सेपरेटली टाइम निकाल के खरीदना नहीं पड़ रहा आपके सॉफ्टवेयर को आप फ्रीली उसे कर रहे हो आपको कोई ज्यादा अपडेट्स नहीं है आप टाइम आपके बच रहे हैं बहुत ज्यादा

उसके अंदर कोई भी वायरस नहीं है बट स्टिल कभी-कभी हमारा एंटीवायरस प्रेडिक्ट करता है कि उसके अंदर वायरस है एंड वो अपने हिसाब से उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देता है इज इट टू कीप ऑल द सॉफ्टवेयर अप टू डेट अब इसका मतलब क्या है आपका जो सॉफ्टवेयर है उसे हम एकदम ट्रिपटाव रख सकते हैं अपडेट अप टू डेट रख सकते हैं सो so, इसका जो है ये कहता है कि हमारा जो ओनर है या फिर ओनर का जो रिलेशंस है सिस्टम कैन अपडेट देमसेल्फ बट दे कैन नॉट अपडेट अदर सॉफ्टवेयर्स स्पेशली प्रायोरिटरी सॉफ्टवेयर्स द यूजर हैज टू कीप ट्रैक ऑफ ईच एप्लीकेशन ऑन इट्स ऑन हिज ओन अब ये क्या कहता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स है वो अपने आप अपडेट्स पे नहीं जाएंगे हमें उसे एक-एक करके अपडेट करना पड़ेगा एक-एक करके उसे Uh, आगे की प्रोसेस में जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे उसके हिसाब से प्रोसेस करना पड़ेगा पहले ट्रैक करना पड़ेगा उसमें अपडेट्स आए हैं क्या भैया वेट करो फिर उसे अपडेट करो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली यूज फ्री सॉफ्टवेयर सो टू कीप ट्रैक ऑफ द सॉफ्टवेयर थ्रू रिपोजिटरीज अब ये रिपोजिटरीज क्या है नया टर्म आ गया ना रिपोजिटरीज इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम कर लेगाज मैनेजर अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम अब ये जो सॉफ्टवेयर हमारे पास डिपोजिटरीज आ गए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर आ गए सो so इसका जो प्रोसेस मैनेजर होता है जो मैनेजिंग करता है अपडेट करता है अपने ऑपरेटिंग uh, सिस्टम को पीरियोडिकली अपडेट आ गया पीरियोडिकली इसको वो अपडेट करता रहेगा लिनक्स इज फ्लेक्सीबल एंड ईजीली कस्टमाइज़ेबल। द यूज द कैन चेंज द डेस्कटॉप द पोजिशन ऑफ द मेन्यूज

लिनक्स कस्टमाइजेबल हम उसे कस्टमाइज कर सकते हैं हमारे विश के अनुसार हम हमारे केक्स को अगर कस्टमाइज कर सकते हैं हमारे बर्थडे के लिए लिनक्स तो भाई नेक्स्ट लेवल है तो वो भी हमें ये चीज प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट सपोर्ट एक्सीलेंट सपोर्ट किसके द्वारा there are thousands of forum and millions of people ready to help open source software user kyunki bhai ye easy hai freely available hai freedom ne ta hai bahut sare cheezon ka to bahut sare forums and bahut sare peoples ke jo groups hai wo ise improve करने के पीछे लगे रहते हैं each distribution has its own community of user and they help each other हमारे ईच कम्युनिटी है नहीं जितने भी कम्युनिटी है वो हमेशा तैयार होते हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए कि आगे बढ़ो मेनी सॉफ्टवेयर कंपनीज एंड डेवलपर्स ऑफ सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर ऑफर सोल्यूशन टू द प्लेटफॉर्मो थ्रू कम्युनिटी प्लेटफॉर्म थ्रू प्रोफेशनल चैलेंजेस इसका मतलब कि बहुत सारी जो कंपनीज है अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमेशा ईगरली तैयार होते हैं कि हमें वो हेल्प कर दे हमें वो सपोर्ट कर दे या हमें हमारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर दे नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क बिना नेटवर्क बिना इंटरनेट नथिंग से क्या समझते हो कुछ इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से राइट एंड डिवाइसेस टू हैव कम्युनिकेशन बिटवीन विद इन दमसेल्व अब हमें पता है कि हमें कुछ भी चीज कम्युनिकेट करनी है मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही तो हमारे मीडियम जो है वो होता है यूट्यूब राइट right? यूट्यूब जो है वो हमारा कम्युनिकेशन मीडियम हो गया ना यूट्यूब होता ना हम मिल पाते exactly. उसी प्रकार दिस इज़ द ग्रुप ऑफ़ कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एक मीडियम लगेगा वो मीडियम क्या है वो हम आगे देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ कनेक्शन सो दैट दे कैन कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर समझा प्रिंटर है कंप्यूटर है कमांड इधर मार रहे हो प्रिंटर वहां पे प्रिंट कर रहा है कैसे एक कम्युनिकेशन बिल्ट अप हो रहा है ना उन दोनों के बीच में सो so, ये हो गया नेक्स्ट क्या है टाइप ऑफ नेटवर्क्स नेटवर्क्स के टाइप होते हैं तीन टाइप है वो भी फर्स्ट सेकेंड, थर्ड लैन मैन वैन लैन एल ए एन इसका जो फुल फॉर्म है वो आएगा लोकल एरिया नेटवर्क याद रखना लोकल एरिया नेटवर्क अब लोकल से समथिंग दैट इज लोकल समथिंग दैट इज अराउंड अस समथिंग दैट इज़ बिटवीन अस हमारे तक ही सीमित होगा सो so ये क्या है देखते हैं लोकल कवर्स सॉरी लैंड कवर्स स्मोलोग्राफिकल एरिया एरिया साइज इज लिमिटेड टू फ्यू किलोमीटर्स एंड आर प्राइवेटली ओन यानी कि ये ऐसे नेटवर्क्स है जो लोकल होंगे जो कुछ दूरी तक होंगे कुछ रेडिया तक स्प्रेड होंगे हमारे कुछ किलोमीटर्स तक स्प्रेड होंगे एंड वो जो है स्मॉलर जोग्राफिकल एरिया यूज एरिया इज लिमिटेड टू द एरिया सच एज ऑफिस बिल्डिंग्स हॉस्पिटल स्कूल्स एक्सेट्रा अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा याद करो लोकल हम सबके घर में होता है एंड लॉकडाउन के बाद तो भाई साहब सबसे ज्यादा होने लगा क्या वाई -फाय. आप अपने घर में हो आप अपने ऑफिस में हो तब तक ही आएगा ना अब आप सड़क पे चले जाओ आप रोड पे चले जाओ आप कोई शॉप पे चले जाओ वहां पे भी, भी आपका नेटवर्क आएगा क्या नहीं क्योंकि जो आपका वाईफाई है वो सिर्फ आपके घर या आपके पर्टिकुलर रेडिया तक ही स्प्रेड है आप आपके कॉलेज में हो आपको वाईफाई प्रोवाइड हो रहा है उसका वाईफाई कनेक्शन आपके घर पे भी आएगा क्या नहीं क्योंकि वो आपके सिर्फ कॉलेज या स्कूल प्रिमाइसिस तक ही लिमिटेड होता है

at a very fast rate as the number of computer links are limited हमारे जो वाई फाई होते हैं हम बोलते हैं ना ज्यादा लोगों को पासवर्ड बंद दो ज्यादा लोगों को पासवर्ड बंद दो सिर्फ घर तक लिमिटेड रखो क्यों क्योंकि जितना कनेक्शन कम होगा उतना ज्यादा हमारा स्पीड बढ़ेगा और ये चीज जो है वो हमें कहती है कि लिमिटेड नंबर ही हम इसमें देंगे ताकि उसका स्पीड डिस्टर्ब ना हो जितने स्पीड से जा रहा है उतने ही स्पीड से जाए पंद्रह हो गया तो स्पीड फास्ट होगी लेकिन यही चीज 25 हो जाएगी 25 डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी इसके लिए वो क्या करता है पहले से लिमिटेड रखता है कि भाई 15 मतलब 15 अगर आपको स्पीड सही चाहिए तो 15 मतलब 15 इट इज लेस एक्सपेंसिव हार्डवेयर एंड लो कम है उसका इंप्लीमेंटेशन अगर आपको लगाना है तो वो कम है उसका कॉस्ट मेट्रोपोलिटियन एरिया नेटवर्क जिसे हम कहते हैं मैन मैंने बस इसे ना, नाम बोल दिया है मैन वो है एक्चुअली मेट्रोपोलिटियन एरिया नेटवर्क मैन इज लार्जर एरिया देन द लैंड हमारा जो लैंड था वो छोटा था अब भाई हमारे पास मैन आ गया जो थोड़ा सा और ज्यादा रेडिया है थोड़ा सा और ज्यादा किलोमीटर में स्प्रेड हो जाएगा एज स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ वैन अब ये वैन क्या है हम आगे देखते हैं इट कनेक्ट्स टू और मोर सेपरेट कंप्यूटर्स दैट रिसाइड इन अ सेम और डिफरेंट सिटीज मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ मेरे पेरेंट्स समझो मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे कजिन जो है वो है मुंबई साइड में कहीं तो भी सो so, मेरा फोन यहाँ पे है उनका फोन वहां पे है स्टिल मेरे मैसेज में व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप डाउन कर रहे तो वो उनको भी मिल रहा है एक मीडियम है हमारे बीच में जो कि होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि वो ऐसा मीडियम है जो मैन होगा वो ऐसा मीडियम होगा कि वो हमारे मैसेजेस को आउट ऑफ द सिटीज या आउट ऑफ द क्या बोला है इन्होंने रिसाइड समवेयर एल्स टू सेपरेट डिवाइसेस दैट रिसाइड समवेयर एल्स अदर सिटीज में भी हो सकते हैं उधर भी हमारे मैसेज पहुंचेंगे इट कवर्स अ लार्जर जियोग्राफिकल एरिया एंड मे सर्व एज द दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लार्जर जियोग्राफिकल एरिया लार्जर हो गया ना मैं तो यहाँ पे थी मुंबई यहाँ से सौ किलोमीटर है तो ऑफकोर्स इतना बड़ा एरिया इतना बड़ा स्पैन उसे कवर किया एग्जाम्पल सॉरी इट इज हार्ड टू डिजाइन एंड मेंटेन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अब कुछ चीज हमारे घर तक सीमित थी तो वो इजीली हम उसे कर सकते थे कहते न, चारिटी कहते हैं हैं ना चैरिटी एट होम क्यों छोटे से चालू करोगे फिर बड़ा होगा ना तो जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी उसकी मेंटेनेंस भी हमें थोड़ा सा टफ हो जाएगा उसी प्रकार एग्जाम्पल ऑफ अ मैन आर अ पार्ट ऑफ टेलीफोन कंपनी नेटवर्क दैट कैन प्रोवाइड अ हाई स्पीड डी एस एल लाइन टू द कंज्यूमर सॉरी कस्टमर और केबल टीवी नेटवर्क इन अ सिटी आपका टीवी यहाँ पे है कहीं और से आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर हैं लेकिन घर पे बैठे बैठे आप तो टीवी का बस आनंद लेते हो ना सो so, हमारा जो मीडियम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा मैन वाला अब भाई साहब आ गए सबसे बड़े दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा लैन से भी मैन से भी सबसे बड़ा क्या होता है हमारा सॉरी वाइड एरिया नेटवर्क

रेडियो इसमें क्या इन्होंने कहा है कि हमारा जो वैन है वो छोटे छोटे चीजों को जैसे कि हमारा लैंड छोटा सका ना तो एक लैंड दूसरे लैंड से कनेक्टेड भी हो सकता है वो भी इसके अंदर आएगा थ्रू किसके थ्रू टेलीफोन लाइन्स एंड रेडियो वेव्स रेडियो वेव्स एंड टेलीफोन लाइन्स टेक्नोलॉजी बड़ा हो जाएगा जितना एरिया बढ़ रहा है उतना ज्यादा वो कॉस्टली होते जा रहे हैं क्योंकि बढ़ रहे हैं एंड का इम्प्लीमेंटेशन है या फिर जो उसका लगाने सेटअप वाला प्रोसेस से है वो भी बढ़ रहा है द कम्युनिकेशन मीडियम यूज फॉर वैन इज टेलीफोन नेटवर्क और सैटेलाइट लिंक क्यू बिकॉज वी आर गोइंग बियॉन्ड आर कंट्री बियॉन्ड आर स्टेट बाउंड्रीज

दो नेटवर्क आर्किटेक्चर है कौन से कौन से सबसे पहला है पीयर टू पीयर। एक से दूसरा पीयर टू पीयर। नेक्स्ट है टाइप ऑफ आर्किटेक्चर ऑल द मशीन आर कॉल्ड एस इस पे जो इंडिविजुअल मशीन है उसे हम क्या कहेंगे पीयर्स पीयर्स नहीं है पीयर नहीं तो बोलोगे मैम अभी आप पीयर्स भी आप रहे। नहीं

कि हमारे पास एक शेयरिट नाम का चीज रहता था आईफोन यूजर्स के अंदर हमारे पास एयर ड्रॉप होता है जो शेयरिट होता था हमारा ब्लूटूथ चालू रखते थे उनका डिवाइस का ब्लूटूथ चालू रखते थे और ढेर सारे वीडियोस, ढेर सारे फोटोज या डॉक्यूमेंट्स हम डायरेक्टली ब्लूटूथ के थ्रू और सॉफ्टवेयर के थ्रू शेरिट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एक्सचेंज कर लेते थे यानी कि मेरा डिवाइस एक पियर हो जाएगा उनका डिवाइस भी एक पियर हो जाएगा हमने डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया एक्जैक्टली सेम वे में हम करते हैं एयर ड्रॉप में IPhone users, में हम किस में करते हैं एयर में, में airdrops मेरे वाला, तो मेरा एक हो हो जाएगा, उनका भी एक device हो जाएगा। वही एग्जाम्पल इन्होंने यहां पे दिया है Next है sorry, 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 sorry. Sorry, sorry. Next है हमारा क्लाइंट सर्वर अब ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर लार्जर नेटवर्क्स क्लाइंट एंड सर्वर क्लाइंट क्लाइंट वी आर रिक्वेस्टिंग समथिंग और हमारा जो सर्वर है वो हमें रिस्पॉन्स कर रहा है network, अब पढ़ रहे तो, दो दो तो होगी कौन सा होगा सबसे पहला क्लाइंट होगा नेक्स्ट होगा हमारा सर्वर क्लाइंट क्या है कंप्यूटर विच इज सिक्रॉम कंप्यूटर इज अ क्लाइंट कंप्यूटर मैं किसी चीज को रिक्वेस्ट कर रही हूँ किसी और कंप्यूटर से तो मैं वहां की क्लाइंट हो जाऊंगी फॉर एग्जाम्पल डाउनलोडिंग एन इमेज फाइल फ्रॉमसाइट इंटरनेट और इंटरनेट एक्सेट्रा मुझे इमेज तो कर, आ जाएगा उसको इमेज को डाउनलोड करूंगी राइट द नेटवर्क यूजर नॉर्मली यूज कंप्यूटर टू परफॉर्म हिस्सू डे वर्क डे टू डे वर्क को हम किससे करेंगे क्लाइंट सब लेकिन जो कंप्यूटर मुझे रिक्वेस्ट थी जो मेरी उसको रिस्पॉन्स करेगा उसे हम क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे सर्व अ कंप्यूटर मैं हूँ यहाँ पे मेरा डिवाइस समझो ये है मैंने मेरे डिवाइस से रिक्वेस्ट की दूसरे डिवाइस को तो जो डिवाइस हमें रिक्वेस्ट हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके हमें एक रिजल्ट देगा उसे हम क्या कहेंगे सर्वर कंप्यूटर कहेंगे नेटवर्क यूजर टू ब्राउज द इंटरनेट और टू स्प्रेडशीट वर्क इट्स जस्ट नॉट कि आप ब्राउज करोगे एंड आप स्प्रेडशीट बनाओगे नहीं उसके आगे भी है फॉर एग्जाम्पल मल्टी मीडिया यहाँ पे देख रहे हो प्यर टू पेयर जो है हमने देखा था ना ये एक डिवाइस सेकेंड थर्ड फोर्थ या हमारे मल्टीपल डिवाइसेस है इसके अंदर कोई पर्टिकुलरली हमारा एक सर्वर नहीं है यहाँ पे हम सब डिवाइसेस हैं एंड हम अपने अपने जो भी कोई भी किसी को भी कुछ भी चीज शेयर कर पा रहा है कुछ भी मतलब शेयर कर रहा है नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट सर्वर था हमारे पास क्लाइंट्स थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और हमारे पास एक सर्वर था ये क्लाइंट इससे रिक्वेस्ट कर रहा था तो हमारा सर्वर कंप्यूटर उसे रिस्पोंड कर रहा था उसी प्रकार ये सारी चीजें भी हो रही थी अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंटरनेट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल इंटरनेट सो होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड एंजॉय किया होगा तो लाइक like करना ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेश्चंस एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि सारे वीडियोस जो एकदम अच्छे से अब आपको मिलने लगे थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ होप यू हैव एंजॉयड थैंक यू